हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। इसके पहले यूनिट वगैरह है, उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक चीज है, खुद से करेंगे आप उसे। तो डायमेंशनल एनालिसिस पे आज बात करनी है, डायमेंशनल एनालिसिस। और बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही इजी चैप्टर है, 11th का स्टार्टिंग का चैप्टर है, तो बहुत ही आसान है। जैसे अभी तक आप यूनिट समझते थे, वैसे ही आज से आप डायमेंशन समझोगे। तो डायमेंशन क्या होता है समझने के थोड़ा पहले अंदर चलते। देखो, जैसे मास है ना, तो मास के लिए आज से हम यूज करेंगे कैपिटल एल। लेंथ है, लेंथ के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल एल। और टाइम के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल टी। ठीक है, जैसे मास के लिए केजी यूज करते थे, लेंथ के लिए मीटर यूज करते थे, टाइम के लिए सेकंड यूज करते थे यूनिट में, उसी तरह से आपसे एम एल टी वगैरह यूज करना है। ठीक है, अब जैसे हम आपसे कहें आप हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यार डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होती है, लेंथ में मेजर होती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एल। टाइम किस में मेजर होता है, टी में, तो यहाँ मैंने लिख दिया टी। तो एल और टी ऊपर आएगा तो टी की पावर -1। अब देखो यहाँ एम का टर्म नहीं है, तो एम का टर्म नहीं है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम की पावर 0। किसी चीज की पावर 0 कर दो तो 1 हो जाता है। L की पावर कितनी है 1, T की पावर कितनी है -1। अब बच्चों ये जो चीज है ना, इसको डायमेंशन बोलते हैं। इसको किसको, M, L, T को नहीं, ये जो पार्स हैं इनको डायमेंशन बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी का डायमेंशन है 0, 1, -1। किसमें, मास, लेंथ और टाइम में। मतलब मास की पावर 0 है, लेंथ की पावर 1 है और टाइम की पावर -1 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें आप हमें मोमेंटम का डायमेंशन बताइए, मोमेंटम का डायमेंशन बताइए। तो बच्चों मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास के लिए क्या यूज करना है, कैपिटल एल। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यार ये m, डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर होता है, लेंथ में, तो l ले लिया, और टाइम t। तो m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा 1, 1, -1 किसमें, m l t। तो बच्चों डायमेंशन आर द पार टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड In order to express a unit of a quantity, dimensions क्या है, पार, जिन पे MLT को raise करें, जिससे कि momentum की unit को हम express करें। Unit की जगह हम dimension लिख सकते हैं, यही dimension है। और समझते हैं dimensions को। Dimension तो जो पार है, MLT को dimension नहीं बोलते, जो पार जा रही है ना, उसको dimension बोलते हैं। जैसे हम आपसे बोलें, आप हमें बताते जाओ, चलो एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो बच्चों वेलोसिटी के हम लोग देख चुके हैं क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और नीचे भी किस चीज की यूनिट या डायमेंशन रखना है, टाइम का। डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ में, टाइम टी, और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा टी। तो एल की पावर 1, टी की पावर 2 ऊपर आई, टी की पावर -2। एम नहीं है, एम डालना है डाल दो, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन 0, 1, -2 किसमें, m l t में। जैसे हम आपसे कहें फोर्स का डायमेंशन बताइए, तो बच्चों फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास के लिए यूज करेंगे m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये रहा, क्या है एक्सेलरेशन का डायमेंशन, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। तो m की पावर यहाँ पे 1 और 0, तो पावर ऐड हो जाएगी, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1, 1, -2 किसमें, m l t में। तो मेरी आपसे एक सजेशन है कि फोर्स के डायमेंशन को याद रखो, आगे बहुत यूज होगा। तो फोर्स का डायमेंशन याद कर लो m l t की पावर -2। फोर्स का डायमेंशन याद कर लो m l t की पावर -2, m l t की पावर -2। देखो कहाँ यूज होगा, आप देखते जाओ यूज होता जाएगा। जैसे हम आपसे कहें आप हमें प्रेशर का डायमेंशन बताओ, तो बच्चों प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन पता है, यूज कर लो
एम एल टी की पावर माइनस टू, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू लेंथ, तो हम लिख देंगे एल की पावर टू। अब ये एल की पावर टू ऊपर जाएगा, ऊपर वन है, वन माइनस टू माइनस वन टी की पावर माइनस टू, तो ये किसका डायमेंशन हो गया, प्रेशर का। जैसे हम आपसे कहें आप हमें वर्क का डायमेंशन बताओ, तो बच्चों वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ में होती है, तो एल से मल्टीप्लाई कर लिया, तो एम एल की पावर वन, एल की पावर वन, एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, और एम की पावर कितनी है वन, तो वर्क का डायमेंशन हो जाएगा वन टू माइनस टू इन एम एल टी। अब जैसे हम आपसे कहें आप हमें एनर्जी का डायमेंशन बताओ, एनर्जी का डायमेंशन बताओ, अब यहां पे दिमाग लगाना, एनर्जी की यूनिट वही होती है जो वर्क की होती है। एनर्जी क्या होता है, जूल्स में मेजर करते हैं, वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल्स में। जिन दो क्वांटिटी की यूनिट सेम होगी उनका डायमेंशन भी सेम, तो एनर्जी का डायमेंशन भी कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। जैसे हम आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन बताइए, तो यार एनर्जी तो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। हम आपसे कहें पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन बताइए, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशन याद रखना चाहिए, क्या है फोर्स का डायमेंशन, एम एल टी की पावर माइनस टू। इसको यूज करके ना बहुत से डायमेंशन बन सकते हैं। अब बच्चों इसकी कोई लिमिट नहीं है, अब आपके सिलेबस में फिजिक्स के कितने ढेर सारे फॉर्मूले होंगे और कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, है ना, 11 का सिलेबस कितना बड़ा है, बुक्स क्या है, धीमे धीमे अपलोड करते हैं उनको भी, क्योंकि आज प्रॉमिस किया था कि हम स्टार्ट करेंगे, तो आज स्टार्ट करें वीडियो लेक्चर। तो बहुत सी क्वांटिटीज हैं और सबके अपने अपने डायमेंशन है, और बुक में क्या करता है, पहले चैप्टर में सबके डायमेंशन सिखाता है, तो आप डर जाते हो कि चैप्टर बड़ा टफ है, अरे यार इसमें ये कौन सी क्वांटिटी आ गई, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये सारी चीजें आप अपने सिलेबस में पढ़ोगे। जैसे मान लो आप 9th क्लास के पहले दिन क्लास में गए होते और मैं आपसे पूछता कि वर्क की यूनिट क्या है, तो आप डर जाते। मैं आपसे पूछता कि ये बताओ मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या है, आप डर जाते, है ना, क्योंकि आपने वो चीजें नहीं पढ़ी थी। तो डायमेंशन में भी ऐसा ही होगा, हम आपसे उन चीजों के अगर डायमेंशन पूछने लगे तो आप घबरा जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन बताओ, अब आप कहोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझको पता नहीं, डायमेंशन कैसे बताऊं, तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m into distance का स्क्वायर, मास into distance का स्क्वायर। अब तो बता सकते हैं मास का डायमेंशन क्या है, m, डिस्टेंस किस में मेजर होगा, l, l की पावर 2, m की पावर 1, l की पावर 2, टाइम नहीं है तो टाइम की पावर लिख लेंगे। जैसे हम आपसे पूछें आप हमें सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताओ, फिर वही बात हो गई सर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमको नहीं पता, तो बच्चों सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक साथ इतने फॉर्मुलेस, तो अभी फॉर्मुलेस नहीं याद करने, जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे वैसे वैसे फॉर्मुलेस याद करते जाओगे, अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन तो याद रखा आपने, एम एल टी की पावर माइनस टू डिवाइड बाई लेंथ का डायमेंशन एल, एल से एल कैंसिल, एम टी की पावर माइनस टू नहीं अच्छा लग रहा है, एम की पावर वन, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस टू। तो बच्चों बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज में बना सकता हूँ, लिखता जाऊं खत्म ही नहीं होगी। जैसे मैं टॉर्क का पूछ लूं तो टॉर्क सबको पता रखता है क्या है, टॉर्क सबको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस का डायमेंशन एल, तो क्या बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो बच्चों क्वांटिटीज जितनी लेते जाओगे नए नए डायमेंशन मिलते जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे हम आपसे बोले कि आप हमें स्ट्रेस का डायमेंशन बताओ, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ ही लेंथ होगा, तो एम की पावर वन, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू। हम आपसे कहें स्ट्रेन का डायमेंशन बताओ, तो बच्चों स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, किसी चीज को अगर खींच दो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो जितनी बढ़ी अपॉन ओरिजिनल, तो बच्चों 11 का सिलेबस बहुत बड़ा है। अब देखो चेंज इन लेंथ, लेंथ में जो चेंज हुआ किस में होगा, लेंथ में ही होगा, नीचे भी क्या है लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो लेंथ की पावर जीरो आ जाएगा भाई, वन माइनस वन। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख दो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ऐसी क्वांटिटी को बच्चों हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है।
क्या ऐसी और कोई क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं? बहुत है यार, अरे बहुत क्वांटिटी ऐसी है। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रखा है हमने क्लास 10th में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकेंड मीडियम। अब नीचे भी स्पीड है ऊपर भी स्पीड है तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या आएगा? एम जीरो एल जीरो टी जीरो डायमेंशन। तो जिस भी चीज में देखो कि सेम क्वांटिटी का रेशियो हो, सेम क्वांटिटी का रेशियो हो, वो डेफिनेटली डायमेंशन लेस आ जाएंगे। सेम क्वांटिटी का जब भी रेशियो निकालोगे तो क्या होगा? डायमेंशन लेस। जैसे मैकेनिकल एडवांटेज हमने पढ़ा था, लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड भी होता है फोर्स, एफर्ट भी होता है फोर्स, फोर्स से फोर्स कैंसिल हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं बच्चों डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो मैं जितना चाहूं आपको प्रैक्टिस करा दूं पर फिर भी कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला रह जाएगा। 11 12th को मिला लो तो कम से कम मेरे पास 250-300 फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, तो कितने का करोगे, है ना? जैसे मान लो हम आपसे कहें पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब बच्चों वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप सोच रहे हो सर चार्ज का क्या करें, चार्ज का क्या करें? तो इन्होंने एक काम कर रखा है, हमें चार्ज का तो नहीं पर करंट का डायमेंशन बता रखा है। उन्होंने बोला है करंट के लिए यूज करिए ए, बहुत कम आएगा ना ये सब। करंट हो गया, जैसे टेम्परेचर के लिए भी हमको बोल रखा है कि अगर टेम्परेचर आता है तो यूज करिए थीटा, बाकी वो तो कॉमन है, मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, करंट के लिए क्या पहले टेम्परेचर के लिए थीटा। अब ये तो चार्ज है, चार्ज से करंट पे जाना है, तो सबने पढ़ रखा है करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। यहां से चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? करंट इंटू टाइम। तो आप यहां लिख लो करंट आई इंटू टाइम। अब फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ अपॉन करंट के लिए ए और टाइम के लिए फिर से टी। तो टी ऊपर जाएगा एल की पावर वन, एल की पावर वन, एल की पावर टू, टी ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस थ्री, ए ऊपर जाएगा ए की पावर माइनस वन और एल की पावर वन। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा? वन टू माइनस थ्री माइनस वन, किसमें? मास में, लेंथ में, टाइम में और करंट। तो यार जितनी क्वांटिटीज आते जाएं, जैसे टेम्परेचर अब आपके पास एक नया आ गया, डायमेंशन क्या है टेम्परेचर का? थीटा है। जैसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आईआईटीज में और ना नीट में कई बार आ चुका है सवाल, ये बड़ा ही कॉमन सा है, चलिए आपको दिखाते हैं। वो हमसे कई बार बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए। अब डरो नहीं यार, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है तुम्हें अभी फॉर्मूला नहीं पता। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए के। अब ये क्या होता है नोट कर लेना, और क्या पीवी इज इक्वल्स टू केटी, इस इक्वेशन से आता है प्रेशर वॉल्यूम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये रहा टेम्परेचर। तो यहां से K का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PV बटे T। बन गया फॉर्मूला PV बटे T, मतलब फॉर्मूला अपने पास हो तो किसी भी चीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब प्रेशर क्या होता है बच्चों? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम है अपने पास तो वॉल्यूम को ये लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। भाई किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। जैसे मान लो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, h उसकी लेंथ हो गई, है ना? डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के लिए यूज किया थीटा, एरिया से एरिया कट गया। तो फोर्स का डायमेंशन फिर से mLT -2, लेंथ का डायमेंशन l डिवाइड बाय थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा थीटा ऊपर चला जाएगा माइनस वन। जैसे एक क्वेश्चन जेई में बड़ा आता है और वो हमसे क्या पूछते हैं, एक और कांस्टेंट है उसका डायमेंशन पूछते हैं, प्लैंक कांस्टेंट का। वो हमसे कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए भाई साहब। तो प्लैंक कांस्टेंट होता है h, आया कहां से फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटॉन का, e इज इक्वल्स टू hf। e एनर्जी है फोटॉन की, h प्लैंक कांस्टेंट है। मैक्स प्लैंक बहुत बड़े साइंटिस्ट, नील बोहर के साथ के बहुत बड़े साइंटिस्ट, मतलब उन्होंने फोटॉन थ्योरी दे रखी है, लाइट को बता रखा है पार्टिकल लेचर में। e एनर्जी h प्लैंक कांस्टेंट, f फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहां से h कैसे निकलेगा? e डिवाइडेड बाय f। E एनर्जी है, F फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हो? वर्क। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 by टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये 1 by टाइम से टी ऊपर ही आ जाएगा नीचे 1 by टी ऊपर आके टी हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू,
डिस्प्लेसमेंट का एल और टाइम का टी, तो क्या बन जाएगा एम की पावर वन, एल की पावर वन और वन टू, टी की पावर माइनस टू प्लस वन, क्या हो गया माइनस वन। ये किसका डायमेंशन हो गया प्लैंक कॉन्स्टेंट का। मतलब इससे अब ये भी समझ में आया कि कॉन्स्टेंट्स के भी डायमेंशन हो सकते हैं। मतलब ये भी बात सही है कि जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज होती है उनके भी डायमेंशन हो सकते हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट कहलाते हैं, है ना। जैसे मैक्स प्लैंक ने देखा होगा कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी की लाइट उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी की लाइट उतनी ज्यादा एनर्जी। तो उन्होंने कहा यार इसको मैं इक्वल करके प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लगा देता हूँ। तो हमने देखा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट जो होते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट जो होते हैं इनके पास भी डायमेंशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये भी याद रखना, जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं जरूरी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और बड़ा पॉपुलर है, किताब में भी देता है, बच्चों को बड़ा डर आता है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी का डायमेंशन। ये थोड़ा लंबा चौड़ा आता है तो बच्चे डर जाते हैं। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी का डायमेंशन, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला दो, अब तो मैं निकाल दूंगा। तो फॉर्मूला हम आपको दे देते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, फोर्स मास मास डिस्टेंस, फोर्स मास मास डिस्टेंस। किसका डायमेंशन निकालना है, जी का। तो G को अपन सब्जेक्ट बना लेंगे, तो G is equal to क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा F d square upon m1 into m2, force mass mass distance। तो force का dimension m l t minus 2, इसीलिए बोला था force का dimension रट लो, देख रहे हो बार बार यूज हो रहा। distance का square मतलब length का square, mass m1 मतलब m, m2 मतलब भी m, एक m ने m को मार दिया, क्या बचा l, l square, क्या हो गया l cube, t की पावर माइनस टू, और ये m ऊपर आएगा m की पावर माइनस वन। तो डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, माइनस वन थ्री माइनस टू, किसमें m l t में। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो यार किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाला जा सकता है भाई साहब, अगर हमें उस चीज का फॉर्मूला पता हो, और फॉर्मूला नहीं पता होगा तो डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए बुक में डर लगता है, देख के इतनी ढेर सारी क्वांटिटी पहली बार में दे देता है, हम डर जाते हैं यार डायमेंशन कैसे निकाले इतनी ढेर सारी। और कुछ मैं दिखा देता हूँ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, जैसे एक होती है हमारी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से चलो स्टार्ट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चों एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारी, एंगुलर वेलोसिटी हमारी होती है ओमेगा विच इज इक्वल्स टू वी बटे आर, वी होती है वेलोसिटी, आर होता है रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, वी होती है वेलोसिटी, आर होता है रेडियस। तो यार वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और रेडियस क्या होता है, लेंथ जैसा होता है, तो एल ले लें, रेडियस को मीटर लेंथ में तो मेजर करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एल लेंगे, टाइम के लिए टी लेंगे, एल एल कैंसिल, तो कितना आ गया टी की पावर माइनस वन। देखो ये फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का सेम डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम होता है, वन अपॉन टाइम, देखो टी की पावर माइनस वन। इसी तरह से बच्चों एक क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब ये तुम पढ़ोगे रोटेशनल चैप्टर में, है ना, 13 चैप्टर है, 12 या 13 चैप्टर, तो काफी आगे मिलेगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला है mvr, आज के लिए अदरवाइज फॉर्मूला बनेगा mvr sin थीटा। तो अभी तुम डर जाओगे, अभी sin थीटा के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। mvr, तो बच्चों m स्टैंड करता है मास के लिए, v वेलोसिटी के लिए, r रेडियस के लिए। तो मास के लिए m ले लिया, वेलोसिटी क्या होता है, अब जल्दी जल्दी करो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम मतलब t, r रेडियस मतलब लेंथ। तो कितना हो गया m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर माइनस 1 एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों क्वांटिटीज यार खत्म नहीं होगी, मैं कराता रहूंगा कराता रहूंगा कराता रहूंगा, तुम बोर हो जाओगे, क्वांटिटीज खत्म नहीं होगी। तो सही तरीका क्या है क्वांटिटीज को करने का, कि सिलेबस को चलने दो, अपने आप नई नई फिजिकल क्वांटिटीज रोज मिलेंगी और तुम समझ पाओगे। अगर बुक में कंफ्यूजन हो, कोई क्वांटिटी मिले, गूगल पे उसका फॉर्मूला सर्च मारो, फिर अपने आप प्रोसीड करो, अगर फॉर्मूला आता है तो काम बन जाएगा। जैसे चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो हमसे बोला रेजिस्टेंस, है ना, क्लास 10 में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालिए। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन I, है ना, पोटेंशियल अपॉन करंट, ये तो होता है। अब देखो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, और ये क्या है साथ में करंट। अब चार्ज नहीं पता है, चार्ज का डायमेंशन होता नहीं, करंट का होता है, है ना, ए। तो मैंने बोला है कि चार्ज को क्या लिख सकते हो, करंट इनटू टाइम, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम।
व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज अपॉन टाइम। अभी 11th आ गया, थोड़ा स्पीड बनेगा लेक्चर में। आज तो बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं, बहुत हल्का चीज है। तो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। तो चार्ज की जगह करंट इनटू टाइम रख दो, ऊपर वर्क है नीचे करंट इनटू टाइम इनटू करंट। तो बच्चों वर्क का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन करंट इनटू करंट इनटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल, करंट का ए ए, तो ए का स्क्वायर और टाइम की जगह टी, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन, तो यार कोई लिमिट नहीं है डायमेंशन की। जितने नए नए फॉर्मूले रोज पढ़ोगे नए नए डायमेंशन तुमको समझ में आते जाएंगे। तो मैं कितने डायमेंशन यहाँ सॉल्व करूँ उसकी कोई लिमिट नहीं। तो मैंने तुमको एक बेसिक सिखाया कि डायमेंशन पार होती है, एम एल टी को डायमेंशन नहीं बोलते, पार को डायमेंशन। टेम्परेचर वगैरह का डायमेंशन बताया, ये बताया कि जो रेशियो वाली क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस होती है। जैसे यार एक क्वांटिटी रही गई, इतनी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी का डायमेंशन बहुत पूछा जाता है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मास के लिए एम, वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब, तो कितना हो गया एम एल की पावर माइनस थ्री, टी नहीं है तो टी की पावर जीरो लगा दो, तो डायमेंशन हो जाएगा वन माइनस थ्री जीरो इन एम एल टी। हाँ, तो मैं अगर कराता रहूं तो रात हो जाएगी, मैं फॉर्मूलेस बताता जाऊंगा, डायमेंशन आते जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। हर चैप्टर में कम से कम 10-15 नए टर्म्स तो मिलते ही होंगे, तो 10-15 नए टर्म्स अगर जोड़ते जाएं तो 72 चैप्टर्स, तो रात बीत जाएगी। तो यार एक बेसिक मैंने आपको सिखाया कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, क्या तरीका है डायमेंशन निकालने का, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आज एक इम्पोर्टेंट बात और करते हैं, जो एंगल होता है ना यार, एंगल वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, समझोगा आपको। जो तुम 30 डिग्री लिखते हो ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल्स हैव नो डायमेंशन, नो। अच्छा, क्या एंगल के पास यूनिट होती है, सोच के बोलना, सोचो आराम से, क्या एंगल की यूनिट होती है, डिग्री, डिग्री कोई यूनिट नहीं है। क्या एंगल की यूनिट होती है, हाँ एंगल की यूनिट होती है रेडियन। तो एंगल ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। एग्जाम में पूछता है नेम वन फिजिकल क्वांटिटी which has unit but no dimension, angle, angle has unit radian but no dimension, जैसे solid angle बच्चों, solid angle, angle तो सब बच्चे जानते ही हैं क्या है, solid angle है। आप धीमे-धीमे सबसे ज़्यादा समझ आएगा, जैसे मान लो मेरे ऊपर पंखा है और मैं इस पॉइंट से पंखे पे एंगल बनाऊँ, पंखे के चारों फैंस पे, मतलब उसके चारों ब्लेड्स पे एंगल बनाऊँ, तो एक ऐसा एंगल बनेगा 3D का, ऐसे एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे मान लो मैं बोलूँ इस बोर्ड, यहाँ इस पॉइंट से मैं बोर्ड को देख रहा हूँ, तो बोर्ड के लिए सारे कोनों को कवर करने के लिए जो एंगल बनेगा ये पूरा एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। बच्चों सॉलिड एंगल भी डायमेंशनलेस होते हैं, क्या इनके पास यूनिट होती है, बिल्कुल होती है, इनके पास भी यूनिट होती है और यूनिट होती है स्टीरेडियन। तो एग्जाम में पूछता है नेम टू फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास यूनिट तो है पर डायमेंशन, क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है, क्या ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसके पास डायमेंशन हो और यूनिट ना हो। ऐसी तो मिल गई जिनके पास यूनिट था पर डायमेंशन नहीं, ऐसी क्वांटिटी हो सकती है, नहीं बच्चों ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा उसकी यूनिट होगी, डायमेंशन है तो यूनिट है, डन। पर यूनिट है तो डायमेंशन है, ये बात डन नहीं है, ठीक है। तो ये बातें थी कुछ बेसिक डायमेंशन की। अब हम आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल आज और बता देते हैं, उसके बाद लेक्चर को बंद करते हैं। छोटा सा लेक्चर है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल स्कूल वाला नहीं सिद्धांत वाला, ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी तो यार होमोजेनिटी क्या होता है, होमो मतलब एक जैसा, जेनिटी मतलब होमोजेनियस, एक जैसी चीज है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है यार, ये बोलता है कि फोर्स में फोर्स ऐड होती है, लेंथ में लेंथ ऐड होता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड होता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम माइनस होता है, डेंसिटी से डेंसिटी माइनस होती है। मतलब जिनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम है ना, उन्हीं चीजों को तुम प्लस माइनस कर सकते। जैसे मैं तुमसे बोलूं 5 kg आटे को और 2 kilometer लेंथ को जोड़ दो, नहीं जोड़ सकते है ना। मैं तुमसे बोलूं कि 5 liter पानी को और 2 घंटे को, 2 hours को जोड़ दो या घटा दो, नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे ये कहता है कि ओनली दोस किताब में किसी बात रह लिखा होगा, हम तो इसका मीनिंग बता रहे हैं, इसलिए ओनली दोस फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, क्वांटिटीज होगा ना,
कैन बी एडेड. आजकल तुम लोग मेरी अंग्रेजी बहुत सही करते हो कमेंट में. ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी, मैं सही करूंगा इसको, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन. जिनकी यूनिट या डायमेंशन सेम हो उन्हीं क्वांटिटी को एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते. जैसे हमने ए प्लस बी लिखा है तो ए और बी का डायमेंशन सेम होना चाहिए. लेंथ में लेंथ ही तो ऐड होता है ना, डेंसिटी में डेंसिटी ही तो ऐड होगा. तो यही बात ही कहता है. जैसे हमने लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, तो x का, y का और z का तीनों का डायमेंशन सेम. बोलोगे सर ये तो ऐड नहीं हो रहा, काहे नहीं हो रहा, इसको इस तरफ ले आओ, इक्वेशन की इस तरफ ले आओ, तो x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो. अब तो माइनस हो रहा है ना, मतलब x, y, z तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा. इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अब इसको किताब में किस तरह से लिखता है, किताब में इसको दूसरी तरह से बताता है. कैसे बताता है, बोलता है द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स रिटन ऑन बोथ साइड्स of a correct equation should be same. The dimension of all the terms written on both sides of a correct equation should be same. मतलब a का, b का, c का, d का dimension क्या होगा, same. तो यही बात तो हम भी आपको बता रहे थे, वो इसको इस तरह से बताते हैं. ठीक है, तो वही quantity add subtract होंगी जिनका dimension same. और multiply, divide. मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, क्या सोचते हो, वो तो कुछ भी हो सकती है, नहीं हो सकती क्या, अरे कोई भी फॉर्मूला ले लो, वेलोसिटी देख लो क्या करते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं, करते हैं कि नहीं, है ना. एक्सीलरेशन देखो क्या करते हैं, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं. फोर्स में देखो क्या करते हैं, मास को एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं. डेंसिटी में देखो क्या करते हैं, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं. तो यार मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी किसी को करो, कोई दिक्कत नहीं. ऐड मत करना, ऐड सिर्फ वही क्वांटिटी होंगी जिनका डायमेंशन सेम. मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. पर ऐड और सब्ट्रैक्ट उन्हीं क्वांटिटीज को करना जिनका डायमेंशन सेम. तो इस पे देखो क्या सवाल आते हैं जेईई नीट में, आपके एग्जाम्स में, स्कूल में क्या सवाल आते हैं. जैसे मान लो ये सवाल आ गया कि v is equals to a plus bt. समझना बात को, v is equals to a plus bt. v इन्होंने बताया वेलोसिटी है, t इन्होंने बताया टाइम है. तो हमसे पूछा फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, है ना. हमसे पूछा a और b का डायमेंशन बताइए. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का बढ़िया सवाल. एक काम करो, सबको इधर ले आओ, v माइनस a माइनस bt इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. अब बताओ किसका किसका डायमेंशन सेम होगा, v का, a का, b का? नहीं, v का b से कौन सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, a, और a से कौन सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, bt. इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम. तो जैसे हम बोले डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम मतलब t. तो क्या बन गया, LET की पावर माइनस 1, 11th आ गया. वादा डाल लो नोटबुक और पेन लेके बैठने की, वरना पूरा लेक्चर उड़ जाएगा. LET माइनस 1, तो a का डायमेंशन LET माइनस 1, और जिसको भाई थोड़ी भी दिक्कत है, दर्द है, वो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस 1 लिख ले. अब मैं वैसे 0 वाला लिखना बंद कर दूंगा, वो अंडरस्टूड है. फिर हमसे बोला b का डायमेंशन, तो यार b का डायमेंशन b के इक्वल होगा, नहीं, इस पूरी क्वांटिटी का. तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ b इनटू t इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. तो b का डायमेंशन तो पता नहीं, t क्या है, टाइम के लिए t, वेलोसिटी क्या होता है, l by t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो b का डायमेंशन क्या हो गया, ये t इधर आ जाएगा, l अपॉन t का स्क्वायर. तो l t की पावर माइनस 2 आपको डायमेंशन किसका मिल गया, b का. तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन. एक और सवाल कर लें इस पे, चलो एक और सवाल कर लेते हैं. जैसे हमसे बोला कि यहां हमारे पास है x is equals to a plus c upon m, ठीक है. हमसे बोला x है डिस्प्लेसमेंट, m है मास, और फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड c. अब a और c का डायमेंशन निकालना है, इसको इधर ले आते हैं, x minus a minus c by m is equals to 0. तो x का डायमेंशन, a का डायमेंशन और c by m का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा.
तो डायमेंशन ऑफ ए सीधा सीधा किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या लेंथ। फिर इधर आओ डायमेंशन ऑफ सी बटे एम, क्योंकि क्या चीज माइनस हो रही है, सी बटे एम इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। अब सी का डायमेंशन पता नहीं, एम क्या है मास के लिए एम यूज कर लिया, एक्स क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट तो एल लिख लिया, तो सी इज इक्वल्स टू एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी नहीं है मन है तो लिख लो जीरो, मिल गया सी का डायमेंशन। तो यार ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, हलवा हलवा करके खुश हो। अच्छा हो चलो लिखा है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बटे लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या है, अब इसमें म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई होप सबको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिनको नहीं पता है समझ लो आज के लिए कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब हमसे बोला लैम्डा है वेवलेंथ, तो यार वेव लेंथ है ना तो मीटर में मेजर करते हैं, मतलब लेंथ ही है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड डी, तो इनको इधर ले आए, म्यू माइनस ए माइनस बी बटे लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो अब म्यू का डायमेंशन ए के इक्वल होगा और बी बटे लैम्डा स्क्वायर, तो ए का डायमेंशन तो म्यू के इक्वल हो गया, और म्यू का डायमेंशन क्या है डायमेंशन, तो सीधा सीधा डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ म्यू, डायमेंशन लेस मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो, कोई डायमेंशन नहीं, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। फिर इस पे आओ डायमेंशन ऑफ b बटे लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ म्यू, b बटे लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्या है लेंथ, तो इसका स्क्वायर है स्क्वायर, और डायमेंशन ऑफ म्यू क्या जीरो नहीं लिखना, m0 l0 t0 ऐसे लिखना डायमेंशन, जीरो लिखोगे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे जीरो हो जाएगा आंसर कर दोगे। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो b इज इक्वल्स टू m की पावर तो जीरो रहेगी, l की पावर 0 प्लस 2, ये डायमेंशन हो गया b का, यहां जीरो मत रखना, डायमेंशन ऑफ म्यू क्या है m0 l0 t0, इधर मल्टीप्लाई होके l की पावर 2 बनेगा जीरो नहीं बनेगा, अरे ऐसे सोचो इस क्वांटिटी को डायमेंशन लेस होना है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं रहना, नीचे l स्क्वायर है तो ऊपर भी क्या हो l स्क्वायर, तभी तो कटेगा। समझ में आ गया, अच्छा वैल्यूज नहीं निकल रही है भाई साहब, डायमेंशन निकल रहा है। चलो एक बढ़िया पॉइंट आपको दिखाते हैं, बढ़िया पॉइंट दिखाते हैं, फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स टी, वेयर टी इज टाइम एंड वाई इज आई डोंट नो। अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, वाई हमको नहीं पता, यहाँ टेन थीटा आ गया है ना, पढ़ा कि नहीं टेंथ में पढ़ा होगा साइन टेन कॉस, नहीं पढ़ा है वैल्यू आप लो वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, वो साइन कॉस की वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री, अभी तो इस बात 15 डिग्री 22 डिग्री 22 डिग्री 75 डिग्री सब याद करनी पड़ेगी, कितने फॉर्म ले जाएंगे, वेलकम टू क्लास। तो y इज इक्वल्स टू tan xt, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x इफ डायमेंशन ऑफ इफ t इज टाइम एंड y इज अन। अब इसमें मैंने थोड़ी देर पहले तुमको एक चीज बताई, अच्छा tan xt मतलब tan थीटा ही तो लिखा होगा, लिखा होगा क्या, थीटा मतलब क्या एंगल, और एंगल होते हैं डायमेंशन लेस, थोड़ी देर पहले बताया था नहीं, ऐसे ही तो चीजें यूज करनी है, एंगल क्या होते हैं डायमेंशन लेस, मतलब ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी, मतलब डायमेंशन ऑफ x इनटू t शुड बी इक्वल टू m0 l0 t0, क्योंकि tan थीटा, थीटा क्या होता है डायमेंशन लेस, तो x इनटू t की जगह टाइम रख लिया m0 l0 t0, ये इधर आएगा डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा n0 l0 और t की पावर माइनस वन, तो x का डायमेंशन नहीं होगा। तो ये सब कभी कभी बीच में आपको है ना डराने के लिए ऐसी चीजें की जाती है, जैसे एक और बढ़िया आपको दिखाते हैं इसी तरह क्वेश्चन, कि मान लो हमसे दे दिया उन्होंने p is equals to a की पावर r स्क्वायर x, ठीक है, वेयर x where r is radius, a is पता नहीं and p हम नहीं जानते। अब क्या करें, फिर चीजें नहीं बताई है, सिर्फ इसको देखें, अब इसमें दिमाग लगाओ,
अच्छा मान लो अगर कहीं लिखा है a की पावर, तो क्या देखते हो? a की पावर 2 kg कभी सुना है? सुना है कभी? कभी सुना है? ऐसा सुना है 10 की पावर 2 सेकंड्स? नहीं सुना। या 5 की पावर 3 लीटर कभी सुना है? नहीं। यानी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी पावर्स होती है, जो भी पावर्स होती है वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है। किसी भी चीज की जो पावर होगी बच्चों वो हमेशा डायमेंशनलेस होगी। कभी देखा है इस तरह का? क्या देखा है तो बताओ, है ना? 10 की पावर 2 लीटर कभी सुना है? 4 की पावर 5 किलोमीटर, है ना? पावर क्या कभी भी कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी इस चीज का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मतलब हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर एक्स शुड बी डायमेंशनलेस, यानी एम जीरो एल जीरो डी जीरो। तो आर क्या है? रेडियस। रेडियस मतलब लेंथ का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो डी जीरो, और ये स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो एम जीरो और ये एल की पावर माइनस टू और डी। तो बच्चों ये था बेसिक पूरा डायमेंशन का। नेक्स्ट स्टेप पे हम यूजेस ऑफ डायमेंशन या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे आपसे बात करेंगे। पढ़ाई करना स्टार्ट करिए, किताब खरीदिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला वीडियो में हम आपको बुक्स बताएंगे और 11th की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, इस बारे में वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू।